देखा जाता है कि जो ज्यादातर पुरुष होते हैं वो महिलाओं के नितंबों को देखकर, उनके हिप्स को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई फीमेल उसको अपने सामने से गुजरती हुई दिख जाए तो बार बार पीछे मुड़कर उसकी नितंबों का नजारा भी करना पसंद करते हैं, और अगर साइज हिप्स का उनके मन पसंद का है फिर तो क्या कहने, एक तकी लगा के देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात नितंबों की हो रही है, उस महिला के हिप्स की हो रही है जो कि उसकी बॉडी का पिछला हिस्सा होता है, तो अगर उसे कोई पीछे से देख भी रहा होता है तो उसे इतनी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती क्योंकि सामने से नजारा नहीं कर रहा ना, जो आंखें झुकेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस औरत को इसका आइडिया नहीं होता, उसे भली भांति पता होता है कि अब ये आदमी मुझे पीछे से देखेगा। चलो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी पुरुष का महिला के नितंबों की तरफ इतना आकर्षण क्यों होता है। जो आकर्षण है ये है ही बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारणों का मिश्रण। ये जो पुरुष का किसी महिला के नितंबों की तरफ जो खिंचाव होता है ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पुराने काम शास्त्रों में भी, इनफैक्ट ये जो खजुराहो के जो मंदिर है जिसमें मूर्तियां स्थापित हैं, उन मूर्तियों में भी अगर आप किसी फीमेल की फिजिकल बनावट देखोगे तो आपको गोल सुडोल कर्वी नितंबों की छाप नजर आएगी। इस तरह की शारीरिक बनावट वाली महिलाओं को सदियों से काम की देवी माना जाता रहा है। ये जो पुरुषों का किसी फीमेल के नितंबों की तरफ ये जो आकर्षण होता है, जो खिंचाव होता है, ये ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं है कोई फैशन ट्रेंड है, बल्कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। क्योंकि वो फीमेल जिनके जो हिप्स होते हैं वो घुमावदार बड़े और सुडोल होते हैं, उनको देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये जो फीमेल है ये परिपक्व हो चुकी है, भरा पूरा सामान है और इससे भरपूर आनंद लिया जा सकता है। टीनेजर लड़कियों में तो इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती ना, तो ना उनके ऊपर नजर पड़ती है और ना ही सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है। जिस बॉडी में भराव नहीं तो लड़कों और मर्दों का खिंचाव भी नहीं। इस खिंचाव का तो देखो ये आलम होता है कि चाहे कम उम्र का लड़का हो या मध्यम वर्ग का आदमी या फिर कोई ओल्ड एज मैन, अगर वो किसी भरे पूरे नितंबों वाली औरत को देख ले तो रात को सोते हुए उसकी कल्पना करे बिना खुद को रोक नहीं पाता। सेम ऐसी ही चीज देखो किसी फीमेल के साथ भी होती है, अगर कोई महिला किसी आदमी के चेस्ट के हेयर्स देख ले या उसकी हल्की हल्की मूछें देख ले तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मतलब उसकी जो मूछें, ये जो चेस्ट के हेयर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी का एहसास कराते हैं। अब वो बात अलग है कि रियलिटी तो बेड पर जाकर ही पता लगेगी, लेकिन आकर्षित तो देखो वो हो ही जाती है ये सोच के बालक नहीं रहा मर्द बन गया। अब देखो बड़े हिप्स होने का किसी औरत को फायदा भी बहुत होता है कंपैरिजन में उस फीमेल के जिसके जो हिप्स है एकदम फ्लैट होते हैं। वो फीमेल जिसके हिप्स आकार में थोड़े बड़े होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान सारा वजन अपने हिप्स पर ही डाल लेती है, और ऐसी फीमेल बहुत आसानी से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है, ये उसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इससे अलग हटकर देखो जो पुरुष होते हैं उन्हें किसी औरत के ये घुमावदार और कर्वी हिप्स अच्छे लगते ही हैं। बात यहाँ पे साइज बड़े होने की नहीं है, बात है उनका कर्वी और घुमावदार होना। अब जो मेल जिनकी जो फीमेल पार्टनर होती है उनके स्तन अगर इतने बड़े नहीं होते, मतलब उनके बूब्स का साइज अगर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके जो हिप्स हैं वो घुमावदार और कर्वी होते हैं, तो काफी है उनके लिए वो उसे ही बूब्स समझ के उनके साथ मजा उठाते हैं, खेलते हैं, कभी हवा का गुब्बारा समझ के उसके साथ खेलते हैं, उसको स्पंज करते हैं, तो कभी फुटबॉल। ऐसे घुमावदार और कर्वी हिप्स उस आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं और संभोग क्रिया को जो मजा होता है उसे दुगना कर देते हैं। कोई फीमेल अगर देखो टू पीस बिकनी अवतार में सामने है और जिसमें उसके घुमावदार कर्वी हिप्स आधे से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो उसे देखने वाला जो मेल होता पगला जाता है और शॉट मारने के लिए रेडी हो जाता है। और शॉट मारने वाला अगर मान लो कोई डोमिनेंट नेचर का है फिर तो क्या कहने, छोड़ेगा थोड़ी ना वो उसे, स्पैंकिंग का मजा भी पूरा उठाएगा। ऐसी फीमेल जिनके राउंड ऐसे बाउंसी हिप्स होते हैं डॉगी स्टाइल में सेक्स करने का मजा कुछ अलग ही होता है उनके साथ। जो पुरुष उसके साथ डॉगी स्टाइल में सेक्स करता है वो तो आधा पगला ही रहता है, अंदर ही अंदर गाना बज रहा होता है बॉम शिकी शिकी बॉम बॉम, स्पैंकिंग का मजा उसका दुगना हो जाता है। ओ माय गॉड क्या चीज है। आजकल की अगर न्यू जनरेशन की बात की जाए तो जो फीमेल होती है, जो लड़कियां हैं आज की, उनके अंदर भी कितना क्रेज होता है कि मुझे राउंड बिग
और बाउंसी हिप्स चाहिए। उसके लिए वो जिम तोड़ती है घंटों, जिम ट्रेनर को बुक कर लेती है कि मुझे राउंड हिप्स चाहिए, मुझे ट्रेंड कर। और जब इस ट्रेनिंग से भी कोई फायदा नहीं होता, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता मनचाहा, तो वह सिलिकॉन डलवाने के लिए भी तैयार हो जाती है पैसे पे करके। ये राउंड बिग बट की चाहत ने तो इन लड़कियों की भी नींदें उड़ा रखी हैं। तो एक आदमी का आकर्षण क्यों नहीं होगा, वो तो वैसे भी ऑपोजिट सेक्स है। तो ये था मेरी तरफ से फुल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी पुरुष का किसी औरत के नितंबों को देखकर आकर्षण क्यों होता है।